अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. मैं हूँ सिद्रा इकबाल. जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको. आप सब ने वो इंग्लिश क्लासिक नावल पढ़ा होगा जिसका नाम है लव एट द टाइम ऑफ कॉलरा. कॉलरा उस ज़माने में एक बहुत ही भयानक प्लेग बन के पूरी दुनिया पर आया, पैनडेमिक की तरह था, और उसमें जाहिर सी बात है और कॉम्प्लिकेशंस भी थी. आज उसी को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक लव एट द टाइम ऑफ कॉरोना. कॉरोना ने हमारी ज़िंदगी को किस तरह बदला है. कोरोना की वजह से हमारी मार्केट्स इस वक्त क्रैश की हुई हैं, ट्रैवल एडवाइजरीज निकली हुई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और कुछ लोगों को लग रहा है कि मीडिया शायद इसको हिस्टीरिया बना रहा है. लेकिन अगर आप फैक्ट्स की तरफ देखते हैं, WHO ने इसको डिक्लेयर किया है एज अ पैनडेमिक, यानी ये पूरी दुनिया में ये आलमी वबा के तौर पर फैली हुई है, और एहतियात बहरहाल आपकी क्योर से, आपकी जो तदाबीर हैं उसके इलाज से बहुत बेहतर है. यू हैव टू टेक इट दैट सीरियसली. और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि जिन लोगों को लग रहा है कि स्कूल बंद होने का मतलब है ये बच्चों की छुट्टियां हैं, तो दैट इज़ नॉट द केस. इस वक्त आपको घरों में रह के एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा बरतनी है, पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाना, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, यानी बार बार आपने हाथ धोना है. अगर आपको कॉफ आ रही है, स्नीज आ रही है, यानी अगर आप छींकते हैं, आपको खांसी आती है, उसके आदाब आपको बिल्कुल मलूज़ खातिर रखने हैं ताकि आप दूसरों के लिए नुकसान का बायस ना बने. एंड फॉर मोस्ट आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है. आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया है. एंड पर्सनली अगर मैं उनके इकदाम को देखती हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रुबस्त तरीके से इस वक्त सिंध हुकूमत आगे बढ़ रही है. कराची में होने वाले तमाम PSL मैचेज में इस वक्त कहा जा रहा है कि स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे. कल तमाम की तमाम एहतियाती तदाबीर की गई, लोगों के चेकअप्स भी हुए, उनको बताया भी गया, लेकिन ये थ्रेट इतना बड़ा है कि इस वक्त ऐलान कर दिया गया है कि PSL के वो मैचेस जो कराची में होंगे उसमें कोई भी जो शायकीन है वो नहीं आ पाएंगे. इसके अलावा जी कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन मेजर्स और चीज़ें की जाएंगी एट द जिना टर्मिनल. कराची से गडाब में आइसोलेटेड हस्पताल डेडिकेटेड है इस वक्त कोरोना वायरस के लिए. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जहाँ पे एक कन्फ्यूजन पाई जाती थी, लेट्स क्लैरिफाई इट वंस एंड फॉर ऑल, कि सिंध भर में जो स्कूल्स हैं वो 1 जून तक यानी 1 जून तक बंद हैं. सो बच्चों ने घरों में रहना है, एहतियाती तदाबीर आप लोग अपनाएं. बाहर से अगर कोई शख्स घर वापस जाए तो बच्चों से इंटरेक्ट करने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा करें, अपने हाथों को धोए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस वक्त पेरेंट्स को इस बात में बिल्कुल शर्म महसूस ना करनी चाहिए कि वो सबको ये तनबीह कर दें कि बच्चों को आप बहुत ज़्यादा करीब लाकर प्यार ना करें. छोटा बच्चा है, उस पर प्यार आता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें इस वक्त हमारे लिए बहुत अहम हैं. हम इस पर भी बात करेंगे कि पूरी दुनिया में इस पर क्या असरात हो रहे हैं. आपको बताते चलें कि मशहूर हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी बीवी कोरोना वायरस के लिए जब उनको टेस्ट किया गया तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है. यहाँ तक कि कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रू जब लंदन से कैनेडा पहुँचे तो उनकी वाइफ को भी, यानी उनकी जो अहलियाँ हैं उनके लिए भी कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है. और इस सूरत हाल को देखते हुए खुद यानी रज़ाकाराना तौर पे जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है फॉर द नेक्स्ट 14 डेज. तो ये बड़ा अहम है कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ज़ात पात, कोई एक ख़ास इलाके या रंग नस्ल की बात नहीं है, ये एक आलमी वबा है और हमें भी उसी तरह एहतियात बरतनी है. कल जब ये अनाउंसमेंट हुई, और पहले तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स ये कह रहे थे कि स्कूलों को रीओपन करना चाहिए, लेकिन जब हुकूमत सिंध ने ये मेजर लिया तो उसके बाद
कन्फ्यूजन अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है। दुनिया के बेहतरीन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिनका सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम है, वो भी इस वबा पर पूरी तरह काबू नहीं पा रहे। आज का प्रोग्राम बहुत अहम होगा, जहाँ हम सफाई सुथराई हाइजीन की बात कर रहे हैं, वहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि ट्रैवल एडवाइजरी आखिरकार क्या है। हर मिनट हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सऊदी अरब ने ये कह दिया है कि अगले 72 घंटों में जो आज़मीन उमरा हैं वो वापस अपने अपने घरों तक पहुँचें। ये भी एक केओस को क्रिएट कर रहा है। PIA ने खसूसी परवाज़ों का इंतजाम किया है। आज हम एक बहुत अहम सेगमेंट करेंगे अबाउट ट्रैवल एडवाइजरीज फॉर पाकिस्तानी ट्रैवलर्स, वो ज़रूर देखिएगा। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक विद अनदर इंपॉर्टेंट इशू। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। छुट्टियां हो गई हैं जी 1 जून तक, यानी 1 जून तक, और ये हैं आपकी रमज़ान एज़ वेल एज़ आपकी ईद ब्रेक एंड योर समर वेकेशंस। लेकिन अगर फैमिली डिसफंक्शनल हो तो घर वालों का साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वी आर गोइंग टू गेट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ कोरोना, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि हम ये बात ज़रूर करें कि जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं वो आपके लिए कितना बड़ा इमोशनल बर्डन हो सकती हैं, स्पेशली इन द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा आफान, एंड वील डीप डाइव इन टू दैट। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा हमारी मुराद ये नहीं होती कि पेरेंट्स में अलहदगी हो जाए। हम कह रहे हैं कि सारा यूनिट साथ रहता है, लेकिन उनके रोल्स जैसे होने चाहिए आइडियली, जो प्राइमरी केयर गिवर्स का एक जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चों की तरफ, वो पूरी नहीं करते। Right. जब केयर कम हो जाता है, निगलेक्ट ज़्यादा हो जाता है, अब्यूज़ आ जाती है, मार कुटाई जिसको हम बोलते हैं या गाली गलोच बच्चों के ऊपर आ जाता है, दैट्स व्हेन केयर कम होकर निगलेक्ट ज़्यादा हो जाती है। बच्चे का ध्यान रखना, उसके खाने पीने का, बेशक दोनों पेरेंट्स जैसे आपने कहा साथ रह रहे हैं, लेकिन बच्चे को वो सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड ना करना और उसके अंदर बहुत ज़्यादा निगलेक्ट आ जाना, जब बच्चे को खुद ही नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा पेरेंट्स की तरफ से, तो उसको हम निगलेक्ट बोल लेते हैं, डिसफंक्शनल फैमिलीज बोल लेते हैं। आजकल आप जैसे देख रहे हैं कोरोना वायरस का सिंस ये सारा कुछ चल रहा है, पेरेंट्स आर निगलेक्टिंग द केयर एंड हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन। पब्लिक प्लेसेस में उनको ले जाना एंड सोचना कि इससे कुछ भी नहीं होगा, रिश्तेदारों के घर ले जाना या बहुत बड़े बड़े पार्क्स के अंदर ले जाना, वो एक जो माइंड सेट है पेरेंट्स का कि कुछ नहीं होता, दैट नीड्स टू सॉर्ट ऑफ कम इन टू प्ले राइट नाउ एंड इन्फॉर्म देम कि कुछ होता है। आपको लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा तबकाती फ़र्क भी है? मुझे लगता है कि फिर भी व्हेन इट कम्स टू रिलेइंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड बीइंग कंसर्न्ड अबाउट कि जी हेल्थ क्या है या इन्फेक्शन क्या है फिज़ा में, लेकिन जो हम मुतवस्सित घराने और उससे निचली सतह पर अगर देखते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मेरे ख्याल में एक लेड बैक एटीट्यूड है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन? आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज एक एजुकेशन का भी एक फैक्टर आ जाता है। व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा चीज़ें आजकल सर्क्यूलेट हो रही हैं कि अगर आपको नहीं भी पता, यू कैन सेल्फ हेल्प, यू कैन सेल्फ टीच एंड यू कैन हेल्प द रेस्ट इज वेल। बट यूजली तबकों में कभी कभार क्या होता है, उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि आप सैनिटाइजर से हाथ धो या दिन में 3 दफ़ा हाथ धो, उनकी प्रायोरिटी है कि दिन का 2 टाइम खाना आ जाए, सही, या उनकी प्रायोरिटी है कि आज का हमारा पानी आ जाए, हम सिर्फ नहा ही सके 3 दिन के बाद। सो यू सी, इस चीज़ के अंदर प्रायोरिटीज जो चेंज हो जाती हैं, जो केयर भी चेंज हो जाती है, तो तबके में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। जहाँ आपके पास एक्सेस है सारी इन्फॉर्मेशन का, इंटरनेट का या एजुकेशन का, जहाँ आप पिक एंड चूज कर सकते हो कि आपने कहाँ इंटरेक्ट किससे करना है और कहाँ नहीं करना। कल ही की बात है, माई मेड वो सेलिंग मी के बाजी मुझे मास्क ला दें, मैंने कहा क्यों? कहती है कि माई स्वीपर्स, तो शी वॉज एक, वो बच्चों को ट्यूशन जाना होता है, मदरसे जाना होता है, सो आई वॉज एक, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ट्यूशन कैंसिल हो रहे हैं, तो मास्क पहना दो, लेकिन वहाँ पर तो इतना ज़्यादा हजूम बना हुआ है कि इट्स नॉट सेफ। कहती है बाजी मैं निकालूंगी तो मेरे बच्चों का नाम कट जाएगा। सो सी द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड शार्पनेस कि वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन भी है। देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज बंद हैं, लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। इस वक्त हार्वर्ड और टॉप यूनिवर्सिटीज भी बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्केयर इतना बड़ा है। तो आई थिंक इट अप्लाइज टू मदरसाज एज वेल, और हमारी अपनी जाती जिम्मेदारी भी है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पब्लिक गैदरिंग्स उसी तरह हो रही हैं, चाहे आप मुल्तान में बात कर लें नेशनल स्पोर्ट्स की, चाहे आप बात कर लें कि इज्तिमा में आप जा रहे हैं, बेशक आपका एक ईमान का, एक आपके अपने फेथ का मामला है कि आप समझते हैं कि भाई दिस इज़
अ प्रायोरिटी फॉर मी, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए आपको अपने स्केड्यूल्स को बदलना चाहिए. बट हमारा कमिंग टू द कोर इशू इटसेल्फ, जब घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल होता है, पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड ऑन हिज इमोशनल वेलबींग? सबसे ज़्यादा ही इमोशनल वेलबींग पे पड़ता है, बिकॉज बच्चों के अंदर इतना मिसट्रस्ट आ जाता है, इतना फेयर आ जाता है, इतना सेल्फ डाउट आ जाता है, इतना उस निगलेक्ट को लेके लो सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दैट देन गोज इनटू अ स्नोबॉल इफेक्ट व्हेन दे ग्रो अप. सही. व्हेन दे ग्रो अप विद दिस एट, कहते हैं ना कि बच्चे भी छोटे बड़े होकर भूल जाएंगे. उनके फाउंडेशन ईयर्स में जब वो इतना ज़्यादा अब्यूज़ देख रहे हैं, इतना निगलेक्ट देख रहे हैं, इतना क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, वो उनका एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है. अब जब हमारे पास क्लाइंट्स आते भी हैं काम थेरेपी के लिए और उनकी समझ नहीं आ रही होती, कहते वाई वाई, अब आप वाई को पीछे उनके 20-25 साल लेके जाओ तो वही निकलता है कि पेरेंट्स ने इतना उनके अंदर इनग्रेन कर दिया था फेयर या मिसट्रस्ट कि अब जाकर वो किसी अपने आप को इतना डाउट करते हैं कि हम तो ये काम कर ही नहीं सकते, हम तो बुरे हैं. ऐसा लगता है कि यू नो बिकॉज इट्स रिलेटिवली न्यू, हमारे यहाँ भी और पूरी दुनिया में भी देयर इज सो मच स्टिग्मा अटैच टू गोइंग टू अ थेरेपिस्ट और गोइंग टू अ काउंसलर. तो मुझे ये बताएं कि आमतौर पर जब ये स्पेड वर्क होता है और कोई बचपन की ही याद निकलती है, आई एम श्योर पीपल आर डिसमिसिव ऑफ दैट एज वेल. वो कहेंगे आपको कि भाई हर एक का बचपन या माजी उठा लो तो कहीं ना कहीं कोई तल्ख याद है. बिल्कुल. तो हम परफेक्ट तो हो नहीं सकते. बिल्कुल. व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दैट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डज कम फ्रॉम देयर. दे मे नॉट एक्सेप्ट इट, एक वो डिनाइल आ जाता है, बिकॉज यू सी उसी के साथ भी वो ग्रो कर रहे होते हैं ना. एंड सबसे बड़ी बात डिसफंक्शनल फैमिली के बच्चों को फंक्शनल बनाना ही इज एक्सेप्टेंस. जब तक उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तब तक वो शिफ्ट आएगा नहीं फ्रॉम डिसफंक्शन टू फंक्शन. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, काम के वाले से ही बात करूंगी कि एक क्लाइंट मेरे पास आए, उनके काफ़ी सारे इश्यूज थे, समझ भी नहीं आ रहा था क्या है, इधर भी उधर भी हर जगह पर ही, बट मिस सही नहीं हो रहा, बट ठीक नहीं हो रहा. एक छोटी सी चीज़ निकली उसके माजी से ही, उसके पास से एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि आई डिज़र्व ऑल ऑफ दिस, मैं प्राउड हूँ और मुझे हक है, मेरा हक है इस चीज़ का. उस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से उसको इतने मसले आ रहे थे, उसको एंगर इश्यूज आ रहे थे, उसको डिटैचमेंट इश्यूज आ रहे थे, हाउ टू अटैच विद पीपल वो नहीं कर सक रहा था. सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं से आपकी सुई पिछले पास से निकलती है. सो एक बिलीफ सिस्टम भी है, बट जितना आप खुरेदेंगे, जितना आप देखेंगे, उतना बेहतर समझ में भी आता है. मेरा आखिरी सवाल फिर हमारा इस बारे में होगा कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम ये बात करते हैं तो एक और नोशन को तकवीत मिलती है. जैसे आप देखें, लोग रिश्ता जोड़ने से पहले ये बात कर रहे होते हैं कि अगर प्रॉस्पेक्ट यानी जिस लड़की या लड़के से वो रिश्ता जोड़ने वाले हैं, इफ़ दे कम फ्रॉम अ ब्रोकन होम, यानी अगर उनके वालदैन की शादी नहीं चली तो फिर उनसे शादी करने से लोग कतराते हैं या वहाँ रिश्ता देते हुए कतराते हैं कि इन्होंने एक हेल्दी इन्वायरमेंट देखा नहीं. आपकी बातों से कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि पीपल हु कम फ्रॉम डिसफंक्शनल फैमिलीज या जिनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती, वो भी शादी या हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं चला पाते? चित्रा, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको आई थिंक हम एक स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि जो डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं वो घर नहीं चला सकेंगे. वो कभी कभार इतना क्रेव करते हैं उस लव अटेंशन को कि वो बहुत अच्छा घर चला लेते हैं. सो मकसद सारा ये कि जो आपको लैक करते थे आप बचपन में, कि आपको जो लव अटेंशन केयर नहीं मिला, वो आपको अगर बड़े होकर भी मिल जाता है, इट्स फेयर इनफ. यू सी, एक इंसान वही बेस्ट पार्ट इंसान की कि एक तरह का नहीं रहता. फ्लेक्सिबिलिटी इतनी लचक इंसान के बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में, कि विथ टाइम विथ द required amount of care and concern इंसान change होता रहता है. So ये बात बोलना कि dysfunctional families के बच्चे successful नहीं रहते अपनी job में या शादियों में या relationship में, ये बात सही नहीं रह सकती है. दो तरह के extreme behaviors होते हैं. एक वो कि बच्चे को अगर love and care नहीं मिला तो वो dismissive हो गया, उसने अपना एक false self create कर लिया, he is happy को lucky, और वो किसी के साथ अपने आप को, किसी को अपने करीब आने ही नहीं देता. और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा होता है जो हर रिलेशनशिप में बहुत इंटेंस हो जाता है, जो बहुत क्लिंगी हो जाता है, चाहे वो उसकी टीचर हो, फिर लेटर एज में कोई आपका यू नो कोई करीबी रिश्तेदार हो, यू बिकम टू क्लिंगी. इन दोनों को डील करने का तरीका क्या है? ओके, एक आप कह रही हो एक क्लिंगी डिटैच्ड और एक बहुत, इसके अंदर भी जब एक सेल्फ डाउट होता है, आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि मैं इतना गुड नहीं हूँ कि मैं इसको चला पाऊंगा. और दूसरी तरफ ये है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ ऑन माई ओन कि मैं इनके बगैर कुछ कर सकूंगा. तो दोनों टाइप की डिपेंडेंसी बहुत हो जाती है, को डिपेंडेंसी. एक टाइम पे कि आप एक साइड पे छोड़ नहीं सकते लोगों को, एंड यू नीड सम रिलेशनशिप और द अदर, इसलिए लोग पीपल प्लीजिंग करते हैं.
हर एक की खुशामदें करते हैं, हर एक को खुश रखते हैं, काम सही से करते हैं, बिकॉज दे कांट अफोर्ड दैट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन देमसेल्व्स जहां पे वो क्रिटिसिज्म आ जाए, वो खुद नहीं हैंडल कर पाते हैं अगर अकेले रह जाएं। सो यूजुअली परफेक्शनिस्ट जो होते हैं दे हैव दीज ट्रेट्स इन देम व्हेन दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, जहां गलती की गुंजाइश ना हो। वेयर इज ऑन द अदर साइड एक बंदा है जो अपने गलती पे गलती भी किए जा रहा है एंड ही सेइंग आई एम ओके विद इट, तो वो भी एक डिनाइल स्टेज होती है। हम हमेशा ये देखते हैं कहां पे बैलेंस स्ट्राइक हो रहा है। अच्छा, लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए खास तौर पे ये बताइए कि जब ओवर पीपल प्लीजिंग होती है, व्हेन यू आर टू नाइस, आमतौर पे देखा ये गया है कि देन यू आर मोस्ट रिजेक्टेड, ये क्या कोरिलेशन है? वो जरा आई पता चल जाता है। यू सी व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्लीज टू मच, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी टू नाइस, आप तो कर ही रहे हो अपने, बेशक आप जेन्युइन जगह से कर रहे हो, यू बिकॉज इट बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स अ बिहेवियर, बट अगला दिख कर बोलते हैं कि देयर इज समथिंग टू इट, इतना अच्छा कौन हो सकता है? सो डाउट आगे से भी आता है। या जैसे आप कहें कि कोई मीठा अगर आप खाते हैं उसमें मुनासिब मीठा होना चाहिए, अगर वो टू मच मीठा है और होंठ चिपक रहे हैं तो आप उसको रिजेक्ट ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लोग बोलते हैं मैंने बहुत मीठा नहीं खाया जा रहा, मीठा सपोज टू बी मीठा, बट वही बात हो गई कि एक बैलेंस, बट पीपल बिहेविंग इन सच अ वे ऑनेस्टली स्पीकिंग दे डोंट रियलाइज, उन इतनी उन पे अवेयरनेस होती नहीं है, इतनी कॉन्शियसनेस होती नहीं कि वो अपने बिहेवियर को ही देखकर उसी को सही से मैनेज कर एक म्याना रवि उसके अंदर भी लेकर आए। अच्छा, मेरा ये तो खवातीन का रिएक्शन होता है ना, वो जो मैं क्लिंगी वाली बात कर रही थी, वो जो डिटैच्ड वाला अमल था वो अमूमन आदमियों में होता है, दे बिकम इमोशनली अनअवेलेबल। और बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो इट विल गेट बेटर। अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर इन रिलेशनशिप विद इमोशनली अनअवेलेबल पीपल, वो समझते हैं कि वक्त गुजरेगा थिंग्स विल गेट बेटर। Is that appropriate? ये सही approach है? Things do not get better because आप emotionally इतना unavailable होते हो for not just for the family, for yourself as well. आपकी needs आपको नजर ही नहीं आती हैं, because अगर आप emotionally unavailable हो, आपके अपने emotions नहीं आप look after कर सक रहे, अपनी self care नहीं कर सक रहे, अगले का करना बहुत मुश्किल होता है। Plus it's a huge defense. आपको पता है वो एरिया आपका हर्ट करेगा तो बेहतर है मैं वहां से अपने आपको डिटैच ही कर दूं, मैं वहां जाऊं ही नहीं। आपको पता ना गली में अंधेरा है तो आप गली में जाओगे नहीं, बल्कि आप बोलो मैं अंधेरी गली में जाके जरा देखता हूं तो आगे होका गया। सो दीस सॉर्ट ऑफ पीपल दे इमोशनली डिटैच देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ दैट डिफेंसेस, बिकॉज दे कांट हैंडल ऑल दैट बर्डन, एंड इतना इमोशनल स्ट्रेस जो होता है वो हैंडल नहीं कर सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर मेरा ये होगा कि जब हम सीनियर सिटीजंस की बात करते हैं, क्या आपकी एवोल्यूशन, अपने आप को हील करने का प्रोसेस लेटर एज में हो सकता है, या इसकी भी कोई टाइमलाइन है कि अगर आपने 35-40 साल की उम्र तक अपने आप को सही नहीं किया देन यू आर बाउंड टू बी सफरिंग फॉर लाइफ? थोड़ी सी आदतें रिजिड हो जाती हैं, नो डाउट। यू नो कभी कभार कहते हैं कि हम पेरेंट्स को क्या बात बोले वो तो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, उनका एक सेट तरीका है चलने का। नो डाउट एक रिजिडिटी आ जाती है बिकॉज आप 50-60 की एज पे, बट पर्सन टू पर्सन सीइंग के फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है नेचर में। मेरे पास माशाल्लाह 70 ईयर ओल्ड भी आते कपल, सो द वे दे सिट एंड टॉक एंड द वे यू कम्युनिकेट विद देम, उन्हीं के काम में से, उन्हीं के तरीके से कैसे आप अपना मैसेज अक्रॉस कर सकते हो। बट जैसे आपने चेंज का बोला, द नीड टू चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन, हैज टू कम फ्रॉम विद इन, दैट विद इन, एंड फॉर द अदर पर्सन टू चेंज द अदर पर्सन दैट नीड हैज टू बी लोअर्ड ऑल्सो। यस, यानी आप किसी को बदल नहीं सकते, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई आपके साथ ये करे। थैंक यू सो मच उमेरा फॉर बीइंग हियर एंड फॉर टॉकिंग अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हम सब में एक एस्केपिस्ट है जी, हमें लगता है कि अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गंभीर है तो हमें कहीं चले जाना चाहिए, छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन कोरोना के वक्तों में आप छुट्टी भी नहीं ले सकते। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट अबाउट ट्रैवलिंग, अगर पाकिस्तानी हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, या आपके रिश्तेदार वापस आ रहे हैं, ये सेगमेंट आपके लिए। यू नीड टू नो कि कौन से रूट्स, कौन सी एयरलाइंस आपके लिए अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ ममानियत है, एंड व्हाट्स द लेटेस्ट डेवलपमेंट, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back after the break. This is a very important and critical segment. अगर आप एक पाकिस्तानी हैं, आपने ट्रैवल करना है अगले एक हफ्ते दो हफ्ते में, खुसूसन अगर आपकी जॉब है, कोई बहुत ज़रूरी काम है, या आप यूनिवर्सिटी वापस जा रहे हैं, this is a segment which is very important for you. आप जिस तरह के जान सकते हैं कि World Health Organization WHO ने कोरोना को इस वक्त वर्ल्ड पैनडेमिक का नाम दिया है, जिसकी वजह से कई ममालिक ने अपने बॉर्डर्स, अपने एयरपोर्ट्स क्लोज कर लिए हैं, ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर गई हैं, और ये
और ये मिनट टू मिनट चेंज हो रही है सिचुएशन। कल सबसे बड़ी खबर ये थी कि सऊदी अरब ने तमाम आज़मीन उमरा को 72 घंटे दिए थे, जिसमें से 24 घंटे गुजर चुके हैं, सिर्फ 48 घंटे में इन तमाम को वापस आना है। इस वक्त अगर आप सऊदी अरब उमरा वीज़ा पे एंटर करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। अकामा जो वीज़ा होल्डर्स हैं और उनकी अगर जॉब है, इनके पास भी यही विंडो है कि ये वापस सऊदी अरब जा सकते हैं। आपको बताते चले कि PIA ने स्पेशल फ्लाइट्स अनाउंस की हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से भी फेरी फ्लाइट्स, यानी वो आती पूरी भरकर हैं और वापस वो बिल्कुल खाली जा रही हैं, इनका भी खास इंतजाम किया गया है। लेकिन अगर आपके इससे रिलेटेड सवाल हैं, डोंट मिस आउट ऑन दिस सेगमेंट। और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सैयद शहजाद अली को, जो कि हेड ऑफ ग्राउंड सर्विसेज हैं विद जेरीज डनाटा। थैंक यू सो मच शहजाद फॉर बीइंग हियर। आपसे हमें मुस्तनद इन्फो मिली। मुझे बताएं, आपके अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 7,000 से 8,000 पाकिस्तानी उम्रे के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। अब इन्होंने 48 घंटे में वापस आना है, व्हाट्स द प्लान? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट्स अ वेरी सच अ हर बर्निंग इशू दीस डेज। एडवाइजरी इशू की है, जिस तरह कि हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक में, कि अब 48 आवर्स बाकी बचे। स्पेशली मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो कि जिनके पास अकामा है और जो सऊदी अरब वापस जाना चाहते हैं जी। तो दिस इज़ देयर लास्ट चांस, बिकॉज ओमान ने भी अचानक से एक एडवाइजरी इशू करके विदिन 48 आवर्स अपनी बॉर्डर्स क्लोज कर दी थी, और बहुत सारे इंजीनियर्स जो कि हर कतर में काम कर रहे हैं वो अभी नहीं जा पा रहे। ओमान में, कतर में, अगर आपका वर्क परमिट है, आपने वापस जाके ज्वाइन करना है, बॉर्डर्स आर क्लोज्ड, वो तो अब क्लोज हो चुके हैं। नाउ द सेम सिचुएशन इज प्रीवेलिंग विद द सऊदी अरब। सही। तो अगर जो लोग जिनके पास रिटर्न अकामा है, वो फौरी तौर पे अपने टिकट्स बुक करा लें और फौरी तौर पे जाएं। और इसके अलावा जो 7,000 से 8,000 पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए, उनके लिए PIA ने भी स्पेशल सर्विस स्टार्ट की है, और जिस सऊदी अरब एयरलाइन स्पेशली, वो तमाम ज़ायरीन को वापस लेके आ रही है, उनके लिए भी हुक्म है कि वो फौरी तौर पर। आपने जिस तरह ओमान का और कतर का यहाँ पे जिक्र किया, तो जो लोग, उनकी डेस्टिनेशन चाहे कुछ और हो शहजाद, लेकिन अगर वो ओमान एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं या कतर एयरलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो फ़्लाइट्स अभी भी पाकिस्तान से टेक ऑफ कर रही हैं? पाकिस्तान से उन्होंने अपनी फ़्लाइट फ्रिक्वेंसी कम कर दी है, अपनी दो फ़्लाइट्स ऑफ कर दी हैं। एक फ़्लाइट के ऊपर हर ट्रांज़िट उन्होंने एक स्टेशन भी अलग बना दिया पाकिस्तान के लिए। अगर आप इन ट्रांजिट हैं तो आप क्वारंटाइन्ड होंगे। हाँ, आप हर क्वारंटाइन हो कि आप दूसरी जगह कनेक्शन पकड़ के जा सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड एंटर इनटू दी ड्यूटी फ्री एरिया या रेस्टोरेंट वगैरह, आप नहीं जा सकते। खास तौर पर अगर आप ओमान एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे या अगर आप दोहा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और आपकी ट्रांजिट है, सिर्फ आपको ट्रांजिट का अलाव होगा और उसमें भी आप ड्यूटी फ्री में नहीं जा सकते। व्हाट अबाउट यूरोप? क्योंकि आप जानते हैं शहजाद, हमारी एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इमिग्रेंट्स हैं, जिन्होंने US या फिर कैनेडा जाना है, इसके लिए बेहतरीन रूट्स क्या हैं? इसके लिए बेहतरीन रूट्स तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अनफॉर्चुनेटली अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, सिर्फ UK के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ओपन किया हुआ। अदरवाइज इफ यू आर अ पाकिस्तानी एंड यू आर ट्रैवलिंग टू एनी यूरोप, कैनेडा और US और UK, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने अगर लास्ट 14 डेज में आपने अगर शेंजन कंट्रीज़ को विजिट किया है, तो आप अपनी बुकिंग चेंज करवा लें, क्योंकि वो आपको रिफ्यूज़ल कर देंगे और आपको वहाँ पर क्वारंटाइन रख के आपको वापस भेज देंगे। सही। तो अपने जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं या आपने लाइकली किसी सेल्स ऑफिस से अपना टिकट बुक कराया है, तो स्टे इन कनेक्ट विद देम और उनसे एडवाइजरीज पूछते रहें, अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर आके पूछते रहें। CA भी एडवाइजरीज इश्यूज कर रहा है और हम भी स्पेशली हमने अपने नोटिस बोर्ड लगाए हुए, बिकॉज जेरीज डनाटा इन द पब्लिक सर्विस मैसेज, हम वो नोटिसेज अपने नोटिस बोर्ड्स पे लगाते हैं। हमने भी एक डेस्क वहाँ पे कायम कर दी है, क्योंकि 75% शेयर जो है वो जेरीज डनाटा होल्ड करता है फॉर दी ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो हमने अपना डेस्क अलग बना दिया है। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, वो उन पैसेंजर्स को हैं जो कि हेल्थ कार्ड नहीं भरते ऑन द रिटर्न टू द पाकिस्तान। अच्छा, इस पे मैं आऊँगी शहजाद, उससे पहले एक दफ़ा फिर लोगों के लिए रिपीट कर दें कि अगर आपने गुज़िश्ता 14 दिनों में यूरोप के किसी भी मुल्क को विज़िट किया है और आप नॉर्थ अमेरिका, कनाडा या US जाने के, अगर आपका यू नो दैट्स ऑन योर कार्ड्स, आपको नहीं एंटरटेन किया जाएगा, आप अपने कनेक्टिंग डेस्क से, अपने ट्रैवल एजेंट से इन टच रहिए। यूरोपियन ममालिक से आने वाली तमाम फ़्लाइट्स को, या अगर आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प हुआ है कि आपने यूरोप के किसी मुल्क को विज़िट किया है, आपको अमेरिका
अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपके पास ग्रीन कार्ड या वहाँ का ना रेजिडेंट परमिट भी है तो ठीक है। और यू कैन नॉट क्लेम योरसेल्फ अमेरिकन जी, ये सिर्फ एग्जेम्पशन हार्डकोर अमेरिकन्स के लिए। हार्डकोर अगर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है तब कुछ हो सकता है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स या अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड भी है तब नहीं होगा। अच्छा, कनाडा जाने के लिए अगर कोई यानी वाया लंदन जा रहा है दे कैन मेक एक्सेस? अभी है ना कनाडा की तरफ से सच कोई एडवाइजरी नहीं आई है, सिर्फ यूएस ने ये एडवाइजरी इशू की है। सही। अच्छा, हम इंडिया के बारे में, ऑल्दो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया ने अपने 10 मार्च से पहले वाले जितने वीजाज हैं उनको कैंसिल कर दिया है। बॉर्डर स्पेशली ईस्टर्न साइड से क्लोज हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि सिर्फ हार्डकोर अगेन इंडियन पासपोर्ट होल्डर विल बी अलाउड इन। जो इस पे लास्ट अपडेट है वो और भी हार्श है। नाउ दे हैव क्लोज देयर ऑल बॉर्डर्स फॉर द ऑल ऑफ द ऑल ट्रैवलर्स पैसेंजर्स, जो भी आ रहे हैं वो चाहे टूरिस्ट हो चाहे उनका अपना हर सिटीजन हो, दे हैव क्लोज देयर बॉर्डर्स। सो इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लिया है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो तैयारी है इस हवाले से आप उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आखिरी हमने यही सुना था कि अभी रिक्वेस्ट कर रही है सिंध हुकूमत के हेल्थ डेस्क कायम हो और जो ट्रैवलर्स पाकिस्तान में री एंटर कर रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए। अभी कोई फैसिलिटी एयरपोर्ट पे मौजूद है? यस, एक हेल्थ डिपार्टमेंट है इन द कोलैबोरेशन विद द आर्मी, आर्मी भी वहाँ पे मौजूद है और उन्होंने हेल्प डेस्क बनाया है, लेकिन है ना क्वारंटाइन सिर्फ दो लोगों का है। लेकिन एज द केसेस ऑफ द कोरोना वायरस बीन प्रोग्रेसिंग तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वारंटाइन बना रहे हैं अभी, लेकिन अभी सिर्फ दो लोगों का है और जो हमारी थर्मल गन होती है वो यूज़ हो रही है। और इसके अलावा हमने वहाँ पे जरी जनाता ने एक स्पेशल वहाँ पे डेस्क कायम कर दिया है जिस पे हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और कुछ अंदाजे के मुताबिक शहजाद बताएंगे कि इस वक्त भी एट ऑन अ डेली बेसिस कितने लोग पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, कितने ट्रैवलर्स एंटर कर रहे हैं एट द जिन्ना एयरपोर्ट ओनली? ऑलमोस्ट फुल फ्लाइट्स, ऑलमोस्ट फुल फ्लाइट्स। और तकरीबन कितना फुटफॉल होगा? कितना फुटफॉल? हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में? एग्जैक्टली हजारों की तादाद में, बिकॉज़ ऑन द जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर हम खाली जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ऑन द डेली बेसिस वहाँ पे हमारे पास 24 फ्लाइट्स चलती हैं ना इंटरनेशनल, तो उसके ऊपर आप अंदाजन लगा लें तो एक फ़्लाइट में 350 एवरेज लोग होते हैं, तो 7-8 हज़ार पाकिस्तानी रोज़ आपके साथ। अच्छा, एक दफ़ा फिर हम बात करना चाहेंगे जो लोग उम्रे की नीयत से, क्योंकि बड़े माँ भी हैं आई एम श्योर के आगे भी प्लानिंग कर रहे हैं, जिन लोगों ने शहजाद अगर रमज़ान की बुकिंग कराई हुई है, पेमेंट्स की हुई हैं, विल दैट बी कैंसल्ड? वो रीइंबर्स होंगे उनको पैसे या क्या सिनेरियो? अभी है ना रमजान तक के लिए इन्होंने एडवाइजरी इशू की है जी, बट आई थिंक सो इट्स लाइकली टू बी एक्सटेंडेड। ओके, बिकॉज जो हमारे पास इंटेल है कि सऊदी अरब इस रादर फोकसिंग ऑन द हज रादर देन द रमजान, ठीक है, तो लेकिन अभी उन्होंने रमजान को फोकस रखा हुआ है तो एक महीने के लिए एडवाइजरी इशू की, लेकिन इट इज लाइकली टू बी Extended. और जो लोग इस वक्त वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिस तरह हमने कहा कि 7-8 हज़ार लोग उम्रे की नियत से मक्का गए थे, एयरपोर्ट्स पे बैठे हुए हैं, तो इनकी बुकिंग्स जो होटल बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और जो पैसे इन्होंने अगर ज्यादा भरे हुए हैं तो इनको रीइंबर्स नहीं होंगे वो पैसे? अगर को आपने होटल यूज नहीं किया है और आपकी एडवांस बुकिंग थी तो फॉर श्योर वो होटल पॉलिसी के तहत आप वापस हो जाएगी, लेकिन वो लोग जो कि अपने होटल तक एक्सेस ही नहीं कर सके क्योंकि अब तो वो अंदर भी एक्सेस नहीं कर रहे, पहले वो खाली उन्होंने हरम को सील किया हुआ था, मताफ को किया हुआ था, मताफ को हरम के अंदर भी इजाज़त नहीं थी, वहाँ तक थी खाली मताफ तक, उससे पहले उन्होंने हरम भी सील कर दिया था खाली जी। तो अब इन्होंने खाली, अब आप है ना सिटी में रह सकते हैं, आप उसकी वहाँ पे हदूद में भी नहीं जा सकते। सही। तो अब जो लास्ट अपडेट्स हैं कि वो खाली ना एयरपोर्ट से वापस कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट दुबई, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी फ्रीक्वेंसी से लोग पाकिस्तान से दुबई भी ट्रैवल करते हैं, यूएई की क्या इस वक्त ट्रैवल एडवाइजरी है? यूएई की कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है सच, वहाँ पे क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, बिकॉज़ सबसे बिजी एयरपोर्ट तो उनका है। अभी भी वही है वहाँ पे, अब खाली अगर को लाइक आई विजिटेड यूएई लास्ट वीक, तो एज सच वहाँ पे खाली उमरे के लोग नहीं दिखे मुझे और चाइना लैंड के लोग नहीं दिखे, चाइना लैंड वी कॉल इट साउथ कोरिया, कोरिया चाइना, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, हम इसको चाइना लैंड बोलते हैं, तो वो उसके लोग नहीं दिखे, अदरवाइज द थिंग्स वर लुक लाइक अ नॉर्मल टू मी। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तानी इसको ट्रैवल करना हो किसी भी मुल्क में, इस वक्त कौन से कैरियर्स आप रेकमेंड करेंगे उनको? एमिरेट्स की तमाम कहीं भी लैंडिंग फ्लाइट्स को अलाउ है कि उसमें से लोग उतर के कंट्री को एक्सेस कर सकते हैं, या आप कोई और एयरलाइन यहाँ पे कहेंगे? PIA की एक्सेस का क्या हाल है, PIA को कहाँ कहाँ इजाज़त है लैंड करने की और अपने पैसेंजर्स लाने की? PIA ने
तो पहले ही अपना काफ़ी लिमिटेड ऑपरेशंस किया हुआ है और उन्होंने कोड शेयरिंग पे काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग विद कोड शेयरिंग विद डिफरेंट एयरलाइंस एज फार एज आई मस्ट रिकमेंड एमिरेट्स बिकॉज मैं खुद भी गया था तो एमिरेट्स इसी सबसे बेस्ट है लेकिन प्रायर टू ट्रैवल क्योंकि अब डेली बेसिस पे एडवाइजरीज आ रही हैं जी तो यू हैव टू कनेक्ट विथ योर लोकल ट्रैवल एजेंट और दी एमिरेट्स का जो जो मेन टाउन ऑफिस है वहाँ पे वो कॉल नंबर दे लें तो वो नंबर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा और वो अवेलेबल है इंटरनेट पे भी और हमारे वी आर गोइंग टू कम बैक आफ्टर द ब्रेक विद द हेल्पलाइन नंबर्स आप इन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ट्रैवल प्लान के बारे में लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए कुछ लोग ऑनलाइन टिकट खरीदते हैं लेकिन अगर आपका ट्रैवल एजेंट है वो आपको बेहतर गाइड कर सकेगा थैंक यू सो मच शहजाद फॉर बीइंग हियर दिस वाज वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लेकिन क्योंकि ये मिनट टू मिनट इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं हम इसको एक दो रोज़ के बाद दोबारा जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाएंगे आप भी हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई पर्टिकुलर क्वेरी कॉलेज जाने वाले यूनिवर्सिटी रीज्वाइन करने वाले लोगों के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑल क्लासेस हैव बीन हॉल्टेड जहां हम अमेरिका की कनाडा की बात करें सो द स्केयर इज वेरी रियल प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली बढ़ते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ वील बी राइट बैक हम कहां लैक कर रहे हैं इन चीजों में WHO ने उसको वर्ल्ड पेंडेमिक दे दिया है करार आपके पास रोज केसेस आ रहे हैं इवन एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन आपने क्या वो स्टेप्स ले ली हैं जो उसको थोड़ा मेंटेन या कंट्रोल कर सकते हैं दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड देखिए हमारे यहाँ ना यूरोप में एशिया में अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो वी आर सो डेंसली पॉपुलेटेड हम जिंदगी को उस तरह वैल्यू भी नहीं करते यूरोप में अगर बात होती है तो लोग वॉलंटेरली चाहे आपका किसी भी तबके से ताल्लुक हो यू पे हीड टू द प्रिकॉशंस आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव हम जब थ्रेट को या डेंजर को सीरियसली नहीं ले रहे तो हमारे जहन में क्या चल रहा है तो मोर ऑर्गेनाइज्ड अब जब आपने यूरोप की बात की देर डेवलप्ड एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड आपकी स्पेशलाइज्ड टीम आती है चीज़ों को देखने के लिए इवन टेक इट फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखना है कि लोगों को क्या चीज़ अफेक्ट करेगी क्या नहीं करेगी अब अगर हमारी स्टेट की बात करें पाकिस्तान की बात करें ऐसे में इट्स अ प्रेशर सिचुएशन मोर स्ट्रेस नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर द पीपल एज वेल स्कूल्स आपके शट डाउन हो गए हैं पेपर्स आगे हो गए हैं सो मोर स्ट्रेस देयर एज वेल ऑल्दो अभी लग रहा है कि हाँ स्कूल्स बंद हैं एंड इट्स गोना बी अ ब्रेक बट देन आगे जाके जब एकदम खुलेंगे और वो सारा जो आपका accumulated चीज़ें हैं वो आगे आएंगी so there's going to be more pressure. So panic and pressure. अनमोल जैसे आपने बताया कि even in government hospitals आप जब summer months में होते हैं हम heat stroke को handle नहीं कर पा रहे होते the kind of pressure that comes in आप क्या मशवरा देंगी लोगों को कि एहतियात कितनी ज़रूरी है इस वक्त सिद्धा एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर द पीरियड देखी है हमारे यहाँ पे लोग चैलेंज करने को प्राइड लेते हैं सो वी आर ट्राइंग टू चैलेंज दिस कोरोना एंड दैट्स ऑब्वियसली नॉट राइट एंड दैट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया एट ऑल वो कॉम है ना हमें कहा जाता है तूफान आ रहा है हम सी व्यू चले जाते हैं देखने के लिए क्या और देखो तूफान रूल को ब्रेक करना इन चीज़ों में जो हम प्राइड लेते हैं यहाँ पे प्राइड लेने का मकाम नहीं है जब हम इसको चैलेंज करने की कोशिश करें यहाँ पे टाइम है जब हम एहतियाती तदाबीर पर जाएं सो एज यू सेड के हम हीट स्ट्रोक पे जब होते हैं तो हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते तो ये तो बहुत बड़ा आउटब्रेक है अगर ये आउटब्रेक हमारे यहाँ होता है वे ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ कराची जैसे डेंसली पॉपुलेटेड है लोग इतना स्क्वीज्ड एनवायरनमेंट्स में रहते हैं तो इस चीज़ का ट्रांसफ़र होना बहुत आसान है बहुत सिंपल है जो तदाबीर कॉमनली बताई जा रही हैं उनको अगर सिंपल तरीके से फॉलो कर लिया जाए तो मुझे लगता है हम इसको अगर केसेस नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होने से एटलीस्ट कम तो कर सकते हैं बिल्कुल ख़त्म होना जाहिर है मुश्किल है जब दुनिया के इतने डेवलप कंट्रीज़ में ये चीज़ नहीं डील दो गुना ज़्यादा इन्फेक्शन और वायरलिटी रेट है यानी आप फॉरन यू नो ये चीज़ वायरल हो सकती है लोग एक से दूसरे को इन्फेक्शस है लग सकती है ईशा मुझे बताएं कि मदर्स दे गॉट द गुड न्यूज़ कि बच्चा सेफ इन्वायरमेंट में घर में होगा जाहिर सी बात है आपके लिए आसान बात यह है कि 1 जून तक दे आर इन द होम इन्वायरमेंट लेकिन घर में रहते हुए भी किन एहतियाती तदाबीर को यू वुड रेकमेंड दैट मदर्स शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट वी नो कि हमारी एज अ कंट्री वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज अब एट दिस पॉइंट सडनली रिसोर्सेज तो हमारे नहीं बिल्डअप हो सकते
अगर हमें लेट्स से रेस्पिरेटरी एड की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, सडनली वो तो नहीं हम अरेंज कर सकते. तो जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें हमें किस तरह से मैनेज करना है, दैट शुड बी आर प्रायोरिटी, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड थिंकिंग दैट वाई डोंट वी हैव द रिसोर्सेज. एंड मदर्स के लिए लाइक ऑल ऑफ द मदर्स वर वेरी वरिड, बहुत परेशान चल रही थी. आई थिंक कल रात तक के स्कूल्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे, हर जगह यही बात हो रही थी. पहले था कि शायद 16 को स्कूल खुल जाएंगे एंड पेरेंट्स वर रियली वरिड कि हम छोटे छोटे बच्चे या इवन बड़े बच्चे किस तरह से बाहर जाएंगे. अब वो एक जो परेशानी की वजह थी वो थोड़ी ख़त्म हो गई कि ठीक है घरों में है. नाउ घरों में रहते भी वी हैव टू मेक श्योर एज पेरेंट्स कि अगर हमारे पास कोई डोमेस्टिक स्टाफ आ रहा है, कोई लिविंग स्टाफ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर अगर हमारे पास डोमेस्टिक स्टाफ बाहर से आ रहा है तो वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग देम आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स देनी है. उनको आप मास्क प्रोवाइड करें, उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप उनको विटामिन सी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. अपने घर में भी आपको सफाई सुथराई का वही ख्याल रखना है. सर्फेस क्लीनर्स आपके पास होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर आपके हर कमरे में होना चाहिए, बच्चे को हैंड हाइजीन, स्नीजिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं. अगर आपका डोमेस्टिक स्टाफ आता है उनकी सेहत पर नज़र रखें. अगर वो नज़ले ज़ुकाम के कोई उनको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं बेशक उनको छुट्टी दे दें सो दैट देर नॉट एट होम. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल लेवल, वी कांट जस्ट कीप काउंटिंग ऑन द गवर्नमेंट और anybody else take what about public gatherings, Isha? Yeah. Shaadiyan, biyah, usi tarah chal rahe hain. Exactly. People are just not affected. And they're avoidable. I understand. I have a daughter as well, jinke ek se zyada bachche hai. I understand it's difficult ki gharon mein bachchon ko, you know, manage karna. But agar aap bigger picture dekhe, in comparison, is it as difficult jitna agar khuda na khasta, agar koi bachcha ye viral catch kar jata hai, to kya wo jo difficulty, wo jo parashani hogi, uska aap comparison kar sakte hai isse? Hmm. I know a lot of mothers, including myself, हम कह रहे थे अच्छा बच्चों को कि प्ले डेट्स पे ले जाएं, बाहर ले जाएं, किसी एक्टिविटी के लिए ले जाएं, यू नो, बहुत सारी चीज़ें कराची में होती रहती है. वी थिंक अबाउट दैट बट वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवर सेल्स के बाहर लेके जाना जितना अवॉइड कर सकते हैं करें. इट इज़ डिफिकल्ट, इसको जरूर प्लीज मेक इट अंडरस्टैंडिंग. इसमें डिस्टिंक्शन करना सीखिए. ये एक मेडिकल इमरजेंसी की बुनियाद पे स्कूल्स बंद किए गए हैं. ये बच्चों की वेकेशंस नहीं exactly. है. दिस इज नॉट अनदर समर हॉलीडे कि आप जी घूमें फिरें, आइसक्रीम खाएं, सिनेमा चले जाएं. इट इज़ नॉट दैट. इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी. दुनिया के बेशतर मुल्क इस वक्त लॉकडाउन में हैं, अपने घरों से लोग नहीं निकल रहे हैं. बट सरमत वी आर वही वाली बात है कि चैलेंज द थ्रेट, लेट्स गो आउट एंड डू इट. अनमोल, उन चीज़ों पे आपको मैं चाहूँगी कि एम्फसाइज ज़रूर करें. जो एल्डरली सिटीजन्स हैं हमारे घर में, जो बुजुर्ग हैं, उनको क्या खास तौर पे एहतियात करनी चाहिए, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल. सो ऑब्वियसली बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इन तमाम लोग, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी इनकी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उन चीज़ों का ख्याल कि हाथ ज़्यादा धोना, जैसे आपने मेंशन किया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, हाथ प्रॉपरली वॉश करना, लोगों से कोशिश करें, इस वक्त बुरा लगता है बट प्लीज़ कोशिश करें कि लोगों से जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं ज़्यादा रखें. ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ मिलाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप हक करके मिलें. अगर आप स्नीज भी करें तो स्नीज करने का तरीका है, छींकने का एक तरीका है, ठीक है. छींक के आप अपने हाथों को ऊपर जरासीम ना डालें, आप अपने शोल्डर से जो है वो छींक सकते हैं, आप कोई कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है. जो एल्डरली जो ऑलरेडी किसी बीमारियों में मुबतला हैं, उनके लिए बेहतर इस वक्त यह है कि वो अपनी जो बीमारियाँ हैं उनके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और उनकी दवाइयाँ प्रॉपरली लें, क्योंकि कहीं उनकी इम्यूनिटी चुकी और खुदा ना खास्ता वो वायरस उन तक पहुंचता है तो वो उनको जल्दी ज्यादा अटैक कर सकता है और उनके लिए ये ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सिद्रा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आपके पहले तमाम मेहमानों को सलाम हो. एटलीस्ट मुझे अच्छा लगा कि आप इस बारे में सीरियस हैं, आपने भी ट्रेवल एडवाइजरी के बारे में भी लोगों को गाइडेंस दी. इट इज द हाई टाइम. देखिए सिद्रा, मसला पता है कि हम लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं स्कूल क्यों बंद हो गया, क्यों नहीं बंद हुआ. आपसे आपने खुद भी कहा था, अबानी से बात की तो उस वक्त आपने कहा था ये जरूरी है, दुनिया में हो रहा है, तो ये ऐसी सिचुएशन, वार लाइक सिचुएशन है, तो हमें ये समझना चाहिए इट्स अ सीरियस इशू. अगर हम खुद नहीं रियलाइज करेंगे, देखें ये हमें, मुझे क्या करना है, मुझे अपने घर में करना है, मुझे ये तो मुझे अपना खुद करना है ना. गवर्नमेंट ने जो अपने वो तो ले आया. आपको याद होगा हमने कुछ अरसे पहले अभी जखीरा अंदोजी पे बात की. आप देखें कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लोग देखें, इतनी ग्लोबल दुनिया में रहते थे तो हमें था कि बाहर से ही चीजें इम्पोर्ट होके आ रही थी, हम हर चीज तो खुद बना नहीं रहते. अब जबकि लोगों के ट्रैवल मुश्किल है, अभी तो वो मुश्किल आई नहीं है, अगले एक महीने में हो सकता है आपके पास कई चीजें मार्केट्स में आपको शॉर्ट मिले, उसका लोगों ने हल ये निकाला है या उसका रिएक्शन ये आया है कि लोगों ने जखीरा अंदोजी घरों में शुरू कर दी है, बाकी जगह शुरू हो गई है, यानी जो सप्लायर्स हैं उन्होंने शुरू कर दिया है. इस सेंटिमेंट पे आप क्या कहेंगे?
मैं एक बात ये कहना चाहूँ, देखिए यही मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये वक्त है कि आप अपने अल्लाह को याद करें, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें। इट इज द हाई टाइम। देखिए मैं आपके फैमिली, आपके सासू के, आपके बच्चे, आपसे उनको कुछ इखलास की हद तक दर्ज दें। आप ये देखें कि आपने जिंदगी में अगर ज़खीरा अंदोजी की, बेईमानी की, धोखेबाजी की, अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपने उनके साथ कोई व्यक्ति की, तो माफी मांगे, अल्लाह से भी माफी मांगे। देखिए आप कितनी अफसोसनाक बात है कि आज मां शरम में वो रुक गया, तवाब रुक गया, आपने खुद इसको दे। हमें देखें, हम लोग इस वक्त ये टाइम है कि हम समझे इस चीज को। देखिए दुनिया में जो अच्छा, वैसे याया जुमे का रोज है, मैं चाह नहीं रही थी इसको लाना, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मेरी पर्सनल उसके ऊपर ना थोड़ा सा फिर कलर हो जाता है, एंड आई विल शेयर समथिंग दैट मेक्स मी वेरी इमोशनल। आपने बात बहुत अच्छी की है, यानी इसी वबा को देखते हुए आज़मीन उमरा या जो लोग तवाफ के लिए वहां पे जाना चाहते थे, ह्यूमन एक्सेस उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन कल रात किसी ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड की, प्रोबेबली वन ऑफ द क्लीनर्स ओवर देयर, के परिंदे खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, जैसे बैतुल्ला में तवाफ नहीं रुकता, लेकिन हाँ हमारे अपने गुनाह हैं कि हम महरूम हैं उससे, और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे कि फेलियर, हम ये कहते हैं ना कि आपने फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए तमाम तदाबीर बनाई होती हैं, लेकिन थिंग्स लाइक कोरोना कैन रियली थ्रो यू ऑफ योर प्लान्स, तब क्या करें, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, ट्रैवल इन द टाइम ऑफ कोरोना, लव इन द टाइम ऑफ कोरोना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिजनेस इन द टाइम ऑफ कोरोना। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, एंड व्हाट बेटर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस देन राइट नाउ। हम बात करेंगे आज फेलियर के ऊपर, कि हम लोगों को सक्सेस के लिए तैयार करते हैं। हम कहते हैं पैशन हो, कमिटमेंट हो, डिटर्मिनेशन हो, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। लेकिन इस सारे इक्वेशन में हम कोरोना या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स को डालना भूल गए थे। तो जब आप फेल कर जाएं या आपका प्लान उस मुताबिक ना चले जैसा आपने सोचा था, डू वी हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक? ईशा, दिस इज़ अ क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को फेलियर के लिए तैयार करें। उनको हम ये तो कहते हैं कि तुम फर्स्ट आओगे तो फलाना तुम्हारी पसंद का खिलौना देंगे। दे आर किड्स हु अटेम्प्ट सुसाइड व्हेन दे आर अनएबल टू परफॉर्म वेल। तो फेलियर के लिए तैयार कैसे करें पेरेंट्स? स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बहुत छोटे बच्चे टॉडलर की स्टेज पे ही जब होते हैं, दे स्टार्ट यू नो लर्निंग न्यू थिंग्स, और कुछ टेंट्रम्स आना शुरू होते हैं, तो पेरेंट्स का फर्स्ट एक जो एक रिस्पॉन्स होता है वो होता है, अगर तुम ये कर लोगे तो आई एम गोइंग टू गिव यू बिस्किट, अगर ये कर लोगे तो आई एम गोइंग टू गेट योर टॉय। अब होता ये है कि आप एक चीज़ को कंडीशन भी कर देते कि विनिंग के साथ, कि मुझे जीतना इसलिए कि मुझे फिर फर्दर कुछ और मिलेगा। एग्जैक्टली, और आप जो है इस चीज़ के लिए बच्चों को प्रिपेयर ही नहीं करते कि दे इट्स पार्ट ऑफ लाइफ दैट यू आर गोइंग टू लूज, इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, यू हैव स्केयर्स रिसोर्सेज, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। सो बट वी डू नॉट प्रिपेयर अ किड्स फॉर दैट। हमारा फोकस विनिंग पे इतना ज़्यादा होता है कि वी ऑलवेज टेल दैट हाउ टू विन, वट विल यू गेट वेन यू विन, वट आर द टेक्टिक्स टू विन, दैट ग्रेसफुली लूजिंग इज नॉट टॉट टू किड्स। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको हम कहते थे वो स्पिरिट नहीं। अब उसको सिखाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप बच्चे को ये सिखाएंगे दैट इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो टू एन एक्सटेंट यू कैन ट्राई, लाइक यू सेड कि सुसाइड बहुत ज्यादा रेट्स हम बहुत ज्यादा देखते हैं, जैसे रिजल्ट आते सडनली आपको सुसाइड रेट टीनेजर्स में स्पेशली बहुत हाइक कर जाता है। वो होता इसलिए कि हम बच्चों को के जहन में इतना डाल देते हैं दैट इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू विन एंड विनिंग इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू, दैट वी डू नॉट टेल देम दैट लाइफ में एक हद तक आप ट्राई कर सकते हैं, हार्डवर्क करें, बहुत ज्यादा करें, बट टू एन एक्सटेंट। बट ईशा, हार्डवर्क को भी छोड़ दें, इट्स द होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अनमोल, जब बच्चा चलना सीख रहा होता है, वो कितनी दफा खड़ा होता है, गिरता है, आप उसको उस वक्त डांट के तो नहीं कहते तुम कितने डम हो, तुम्हें चलना नहीं आ रहा, आप उसको फेल करने देते हैं ताकि वो सीखे। ये चीज जब वो बड़ा होता है तो हम क्यों भूल जाते हैं? देखें, ये कॉन्फिडेंस जब बच्चा चलना सीखता है और वो गिरता है उठता है गिरता है उठता है, मगर उसकी माँ कॉन्फिडेंट होती है कि मेरा बच्चा चलेगा, तो ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स का अपना है जो उनके अंदर लैक करता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन के साथ वो अपनी उम्मीदें जब बच्चे के सर पे डालते हैं तो वो जाहिर है वो बच्चा उस प्रेशर को डील नहीं कर पाता। एंड फेलियर इज समथिंग कि अगर पेरेंट्स उनके सामने इस बात को ओके कर दें कि इट्स ओके टू ट्रस्ट ट्राई एंड फेल, एंड इफ यू फेल इट्स ओके यू कैन ट्राई अगेन।
Right. तो जब ये चीज घर में प्रमोट होती है तो और टीचर्स प्रमोट करते हैं जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, मैंने जिस स्कूल से पढ़ा तो वहाँ पे हमेशा से कभी रैंकिंग सिस्टम नहीं था. सो आई नेवर आई वाज ऑल्दो द हाई अचीवर बट वहाँ पर कभी मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड का रैंक नहीं दिया गया. सो व्हाट आई वाज सीइंग देयर कि अच्छा मैं जो भी परसेंटेज लाती हूँ आई एम अप्रिशिएटेड फॉर दैट बट इट्स ओके कि बाकी लोग भी जो कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट है, वो किसी में कुछ किसी में डाइवर्स. लेकिन आपकी बात से मुझे याद आ रहा है वो जो सीखने का अमल या फेल आप करते हैं. किसी ने एक बहुत ही दाना शख्स से पूछा कि मैं सबर कैसे करूं, व्हेन आई फेल आई डोंट नो कि मैं उसके बारे में पेशेंट कैसे हूं. तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी थी कि जिस तरह हम रोजा रखते हैं और उस वक्त हम सबर करते हैं लेकिन हमारा ईमान होता है कि जब अजान होगी तो रोजा खुलेगा, उसी तरह आपके अंदर ये फेथ होना चाहिए कि यस थिंग्स मे बी टफ but I will bounce back. ek caller hamare sath hai. hello assalam alaikum. wa alaikum assalam. main imtiaz askar hu karachi se. kya hal chal hai imtiaz sahab aapke? alhamdulillah. sabse pehle to madam jume ke hawale se request hai ki durud salam ka bhi hamesha jari rakhna chahiye aur ye bachcho ke fail aur pass hone ki jo baat ho rahi hai ye bada unique topic hai. dekhe agar bachcha ek dafa fail bhi hota hai na to wo bhi badi khushain baat hoti hai kyunki usko apni khamiyon ka pata lag jata hai aur ye फेल होना भी ये समझिए कामयाबी की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है. और कोरोना के हवाले से कहूंगा कि इस पूरी पाकिस्तानी कौम को एक कौम बन के दिखाना. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कंट्रोलेबल है और हुकूमत को चाहिए और अस्करी इदारों को चाहिए कि एड़ी चोटी का जोर लगा के इसको और देखे तो इंशाल्लाह कंट्रोल में आएगा और इस्तगफार करे कि हमारे गुनाहों की सजा है. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब. अच्छा ये सर मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, ब्रीफली यू कैन रिस्पॉन्ड टू दैट. अ लॉट ऑफ पेरेंट्स थिंक इफ आई मेक फेलिंग ओके तो आई एम बींग अ बैड पेरेंट. मैं तो बच्चे को इनकरेज कर रहा हूँ कि वो बड़ा रिलैक्स्ड है, जब तक मैंने उस पर सख्ती ना की तो ये बच्चा कुछ करके नहीं दिखाएगा. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो आइडियली हम देखते हैं कि फेलियर्स किसी को भी इतने एक्सेप्टेबल नहीं है, बट कुछ पेरेंट्स बहुत स्ट्राइव करते हैं अपने बच्चों में सक्सेस की एंड इट वर्क्स एज वेल. बट अगर हम बार बार उनको वो रिवॉर्ड सिस्टम अटैच कर दें दैट फेलियर्स माइट टर्न फॉर द किड इनटू शेम, रिग्रेट, आइसोलेशन, चुप हो जाना और फिर वो एक्सपेक्टेशंस हाई के चक्कर में वो रिलीफ जहाँ उनको मिलेगा वो फिर दूसरी गलत चीज़ों की तरफ भी ठीक है जा सकते हैं. तो आपने कहा कि फेलियर को अगर हमने इस तरह लिया कि ये बच्चे का नहीं ये मेरा फेलियर है एज अ पेरेंट या ये मेरे अक्कासी करता है कि मैं कितना अच्छा या बुरा हूँ, तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर हेडिंग इनटू अ प्रॉब्लम. इस पर मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. We're talking about failure, यानि नाकामी. नाकामी का सामना करने के लिए भी आपको आयरन स्टील नर्व्स आपको चाहिए होती हैं. कहा जाता है कि अगर आपके आसाब मजबूत हैं तो आप किसी किस्म के सेटबैक फेलियर से नहीं घबराएंगे. क्या ये हमारे प्रेशर्स में हमारे ऊपर दबाव में मज़ीद इजाफा कर रहा है? दैट्स द क्वेश्चन. बिकॉज आपने ये कहा कि जी तकलीफ़ तो होगी लेकिन बस इस तकलीफ़ का एहसास नहीं करना, इसको पूरी तरह फील नहीं करना. हो सकता है जब आप यंग एज में हों आप फेलियर्स को ज़रा अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हम में से ही कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एज से फर्क नहीं पड़ता, पहला धचका लगता है और वो जानलेवा भी लोगों के लिए होता है या वो उससे कभी संभल नहीं पाते. लोगों से हमने पूछा यही कि नाकामी में उस वक्त क्या माइंडसेट होता है, क्या चीज़ उनको हिम्मत उनकी बंधाती है, आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है. तो आइए देखें लोगों ने क्या कहा. पहले तो प्रेशर ये होता है कि अच्छे नंबर आए, पास होना फेल होना तो बात की बात है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा. फिर टीचर्स का अलग प्रेशर, फिर उसके बाद आपको टॉन्ट मिलते हैं कि भाई फला बच्चे फला के बच्चे ने ये कर लिया वो उसका एनईडी में एडमिशन हो गया, उसकी फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया. तो बेचारे जो बच्चे होते हैं वो बेचारे टेंशन में ही पिसके रह जाते हैं और कुछ हासिल उसूल उनको होता नहीं है. क्या हो गया एक दफ़ा नहीं वो दूसरा टाइम कर लेगा बंदा, इस तरह होना चाहिए. मेरी तबीयत भी बाकायदा ख़राब होती थी पहले लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अब आगे इस लेवल पे आगे सेट हो गए खुद ही, अब डर नहीं लगता, अब हो गया यार बहुत कुछ देख लिया. पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं कि हमने पूरा साल तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ रही हो, आजकल की स्कूल की फीसेज वगैरह हर चीज़ हाई फाई है नॉर्मल से स्कूल में भी. मैं भी अपनी बेटी को बोलती हूँ कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छा पढ़ना है, जो तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें दिला दूँगी वो बताती हैं. दबाव होता है
यकीनन होता है, इसको दूर करना चाहिए। उनके जहन में ये निकालना चाहिए कि भाई हमें सज़ा नहीं मिलेगी, ताकि वो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी अगर उन पर दबाव नहीं होगा। तो टेंशन होती है ना उसको, घर की टेंशन होती है ना अपनी, कि फेल हो जाऊंगा तो अम्मा क्या सोचेगी, अब्बा क्या सोचेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, नालायक है ये वो। आप बच्चों को प्रेशर इतना डालते हैं तो उनका अपना नुकसान है ना, आपका भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। यानी अगर हमारे यहाँ कॉमन प्रेशर्स की बात की जाए जिसमें हम नाकामी से घबराते हैं, नंबर वन पहले आपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर आपने अच्छी नौकरी सिक्योर करनी है, इसके अलावा आपकी शादी हो जानी चाहिए एक सर्टन टाइम पे, शादी का चलना बहुत ज़रूरी है, फिर आपके एक बेहतरीन यानी एक सर्टन आपने लेवल बनाया हुआ है उस वक्त तक आपको फाइनेंशली स्टेबल होना ज़रूरी है। कामयाबी की ज़मानत यह समझी जाती है कि आपने अपने नाम पर प्लॉट खरीद लिया है, ज़ाती मकान बना लिया है, अच्छे आप गाड़ी चलाते हैं। There's so much pressure and fail at any one of them and you are branded to be a failure. Anmol, क्या कहेंगी ये जो हमारी रेस है, जितने हमारे वॉक्स पॉप से लोगों ने शायद अपने लड़कपन के ज़माने से उसको रिलेट किया कि हम एग्ज़ाम्स होते थे तो क्या टेंशन होती थी, शादी में फेलियर का खौफ कि जी शादी कर ली है, प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं लेकिन अब इसको चलाना है, निभाना है, इस नोशन को आप कैसे देखती हैं? देखें यहाँ पर क्योंकि जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है फेलियर की, तो शादी में अगर मसाइल हैं तो लोग उसके बारे में बात करने से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो कहते हैं अगर हमने इसके बारे में बात की और हम इसके अंदर फेल हुए तो अल्टीमेटली हमारी ज़िंदगी एक फेलियर ही टैग कर दी जाएगी। सही। और लोगों का इस बारे में जब बात नहीं करते, वो असॉल्ट या वो प्रेशर जो वो ले रहे हैं ऑलरेडी, वो उस पर चलते रहते हैं, इन दी एंड वो या तो सुसाइड एंड अप करते हैं या एक फेल रिलेशनशिप्स में, अपनी ज़िंदगियों में तबाह रिलेशनशिप्स में चलते रहते हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए और उनके साथ रहने वाली ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। बेहतर ये है कि अगर आप एक चीज़ को नहीं वर्कआउट कर सकते, आप उससे अलहदगी कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम उस फेलियर को अपने साथ टैग नहीं करना चाहते, इसलिए हम जो है इस बारे में बात नहीं करते और एक सफोकेटेड एनवायरनमेंट में रहते रहते हैं। फेलियर भी कई तरह का होता है, इन्हें हो सकता है आपकी शादी आपने एक सर्टन टाइम जो भी आपकी टाइमलाइन थी उस पर कर ली, इफ़ यू डोंट हैव किड्स उसको जहन पर सवार कर लिया कि ये फेलियर है, अगर आपने इमेजिन किया था कि एक जेंडर बैलेंस हो आपके बच्चों में और वो नहीं है तब आप अपने आप को एक फेलियर समझते हैं। यानी फेलियर की भी कई किस्में हैं सरमत। तो अगर हमारा जो भी तरीक़ेकार चल रहा है, लाइक मिसाल के तौर पे सारे कहते हैं कि जी हमारे फैमिली में सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज होती हैं, तो यू हैव फेल्ड टू सॉर्ट ऑफ लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड अगर आपने किसी को पसंद कर लिया तो ये तो हमने ऊपर खुद तारी की हुई चीज़ें, तो हम आपने अपनी बाउंड्रीज खुद ही डिफाइन की हुई हैं। आउटसाइड द बाउंड्रीज कुछ भी हो रहा है उसका अलग एक प्रेशर आपके ऊपर है कि ये कैसे हो रहा है। नाउ व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंस, एक तो हमें चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, कॉम्पिटिशन हैं, कंपेरिजन हैं और उसको लेके सारी एक्सपेक्टेशन भी हाई हैं। सही। एंड कहीं ना कहीं अगर हम वो फिल नहीं करते तो मेंटल हेल्थ पे जो एक इंडिविजुअल के असर आता है, सो फ्रॉम देयर इट कैन लीड टू डिप्रेशन। एक गिल्ट आपके अंदर आ जाती है, एक शेम की शक्ल में आ जाती है कि आप फिर दूसरों का सामना नहीं कर सकते, आप शर्मिंदा हैं, आप शर्मिंदा हैं उस बात पे, क्योंकि आपके लिए वो एक चीज उसी तरह डिफाइंड है फैमिली की तरफ से या आपने उस फैमिली के प्रेशर को लेके अपने ऊपर। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है और इसी बात को फिर आगे मैं ईशा के साथ लेके जाऊंगी कि फेलियर टू बी अ गुड मदर, हमारे यहाँ भी देखो वो डेफिनेशंस की जब बात हो रही है तो हमने डिसाइड कर लिया कि अच्छी माँ कौन सी, अच्छी माँ वो है जो सुबह सबसे पहले उठे, सबसे पहले नाश्ता बनाए, सारी जिम्मेदारियों का पता हो, उसका बच्चा क्लास में हमेशा फर्स्ट आए। इनमें से कोई भी चीज़ अगर हो जाती है, खुदा ना खासा जैसे नरमी गर्मी सबके साथ होती है, आपका बच्चा बीमार भी पड़ जाए तो माँ उसको पर्सनल फेलियर समझ लेती है। इस पर बात करेंगे, कॉलर से पहले बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुनील अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। क्या हाल चाल है वहाब साहब आपके? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। आप मैं सब ठीक है अल्लाह का शुक्र जी, बताइए क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हर बच्चा अपनी इस्तेदार लेके पैदा होता है। सही। और हर बच्चे की कैपेबिलिटी दूसरे से अलहदा है। अब अगर कहीं फॉर द टाइम बींग फेलियर आ भी रहा है तो बेसिकली पेरेंट्स को उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए और बच्चे को एनकरेज करना चाहिए। सही। चक्कर ये है कि हम बच्चों को इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं अननेसेसरीली कि वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वहाब साहब अगर बच्चों के मौजू से इसको थोड़ा और आगे लेके जाएं, ठीक है आप सही कह रहे हैं कि अर्ली डेवलपमेंट इसमें बहुत काउंट करती है, लेकिन मिसाल के तौर पे कारोबार में फेलियर, कारोबार में नाकामी, कई लोग कहते हैं ना कई तो संभल जाते हैं लेकिन कारोबार में अगर एक दफा धचका लगा और जो अब के होगा हमारे सामने इस वक्त जो सिचुएशन है मईशत की, स्टॉक मार्केट की, लोगों ने कई दफा नुकसान उठाया, बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है, इससे कैसे बाउंस बैक करें?
देखिए इसमें सबसे जो बेहतरीन इसकी रेमेडी है ना वो ये है कि हमारा मजहबी जो बिलीफ है उसको पक्का होने की जरूरत है जी। कि ये दुनिया जो है वो दायमी नहीं है, दायमी दुनिया इसके बाद है। यहाँ का हर लॉस कोई मायने नहीं रखता, मतलब एक तरफ अगर पूरी दुनिया आप यहाँ से चली जाए क्या है उसका, दो चार पाँच दस बीस साल के बाद हमने मर जाना है और फिर हमने मतलब अकाउंटेबिलिटी फेस करनी है। तो बजाय इसके कि हम ये सोच के रखें कि इस दुनिया का लॉस जो है वो हमेशा के लिए है, ऐसा कतन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, थैंक यू सो मच वहाब साहब फॉर कॉलिंग इन। इस पे भी बात करेंगे, मटेरियल चीजों का जो लॉस होता है उसका उस पे कैसे रिबाउंस बैक किया जाए, लेकिन गिल्ट ऑफ बीइंग अ बैड मदर, जब आपको ये लगे कि यार जो मेरी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है बहैसियत एक माँ की, मैं उसमें फेल कर रही हूँ, आप उन माओं को क्या मशवरा देंगी? मदरहुड की एक इंटरेस्टिंग बात है, किसी भी जॉब की आपके पास कोई जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, बीइंग अ मदर जब प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी जो है इट्स नॉट डिफाइंड एंड इट्स नॉट एग्रीड अपॉन। हर कल्चर में प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी डिफरेंट है, हर क्लास में, सोशियो इकोनॉमिक क्लास में प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी डिफरेंट है। सो कहीं पर कंसिडर किया जाता है कि अगर आपने बच्चे को टाइम पर उठा दिया, नाश्ता दे दिया, खिला दिया, सुला दिया, उसकी तबीयत ठीक है, दैट इज़ योर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, लंच बॉक्स अच्छा से सजा के दे दिया, बस बहुत है। बट मे बी हर एक का पर्सनल पर्सपेक्टिव है, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने अपने बच्चे को ग्रूम कैसे किया, बिकॉज बच्चा इज लाइक खलील जिब्रान सेड दैट यू आर लाइक एन एरो एज अ पेरेंट्स, यू आर लाइक अ बो एज पेरेंट्स एंड योर चाइल्ड इज सेंट फोर्थ एज एन एरो। तो आप दुनिया में क्या एक इंसान को इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फ्यूचर के एक आने वाले वक्त में एक इंसान को कैसे ग्रूम करके भेज रहे हैं। आई थिंक एट दैट पॉइंट वो एक फेलियर है पेरेंट्स के लिए अगर वो सही से ग्रूम नहीं कर पाते, बट दे कैन ऑल्सो डू इट एन एक्सटेंड। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ जो मॉम गिल्ट स्पेशली जो एसोसिएट किया जाता है वो इससे नहीं किया जाता, वो इससे एसोसिएट किया जाता है कि बच्चे का सही स्कूल में एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, सही तरह से वो बच्चा ड्रेस्ड अप है कि नहीं, हाउ फैंसी इज द लंच बॉक्स इट इज और इट इज नॉट, और बच्चे के एक्सपीरियंसेस क्या आप उसको डिज्नी वर्ल्ड लेके गए थे या नहीं। वैसे बाय द वे मुझे याद आया कि कोरोना का स्केयर इतना ज्यादा रियल है कि डिज्नी वर्ल्ड ने कल अनाउंस किया है कि जहां जहां इनके अम्यूजमेंट पार्क्स हैं खुसूसन अमेरिका में उसको शट डाउन किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पिछले 36 सालों में ये सिर्फ तीसरी दफा है कि डिज्नी वर्ल्ड बंद हुआ है। सो दिस इज हाउ रियल द स्केयर इज और हमें बहैसियत पाकिस्तानी के इसको सीरियसली लेना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं समद खान बात कर रहा हूँ कराची से जी। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हम बुनियादी तौर पे वालदैन बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और जिसकी वजह से वो ये भूल जाते हैं कि हर बच्चे की अपनी एक मुनफरिद शख्सियत होती है। सही, तो लिहाजा बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझनी चाहिए और उसको ये डबल खदशा रहता है कि अगर मैं इस कारोबार में फेल हो गया, मुझे नाकामी हुई, तो मुझे एक तो यू नो मटेरियल नुकसान तो होगा ही होगा, पैसे का नुकसान तो होगा ही होगा, सुबकी भी मेरी बहुत होगी। वालदैन हमेशा ये बात कहेंगे कि तुम्हें तो पैसे भी दिए थे, सब कुछ करके दिया था, तुम कुछ ना कर पाए। ये प्रेशर हम कैसे हटाएं बच्चों के ऊपर से? देखिए एक मुझे एक मकबूल है याद आ रहा है कि आप अगर बच्चों से अगर आप चीख कर बात करेंगे तो वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनेंगे। सही, लेकिन बच्चों से अगर आप नरमी से बात करेंगे तो वो आपके अल्फाज सुनेंगे। वेरी नाइटली पुट, बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। इसी बात को मैं अपने पैनल के पास लेके आती हूँ। मटेरियल लॉस में मटेरियल का लॉस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता अनमोल, ये हमें ज़्यादा फिक्र होती है कि मेरा इमेज क्या बना और लोग ताने दे के मार देंगे। अब हमारे यहाँ पे जैसे इन साहब ने बात की, बच्चा वही देखता है जो उसके पेरेंट्स उसको दिखाते हैं। अगर आप उनके सामने जो है चीखों पुकार लगाते हैं या अगर एज अ पेरेंट मैं अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करती तो मेरे बच्चे के अंदर भी यही चीज़ मैं इनकलकेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर मटेरियल लॉस है तो मटेरियल के साथ साथ इमेज लॉस को कितना हमने एसोसिएट किया है। क्या वो मटेरियल इतना मेरी इमेज पर असरअंदाज करता है या वो मटेरियल की इतनी इम्पॉर्टेंस है कि मेरी ज़िंदगी भर की जो मैंने अपना एक इमेज बनाया हुआ था उसका मैं जो है बिल्कुल उसको कंसिडर ही ना करूं, कुछ भी उसको कम समझना शुरू कर दूं। तो ये चीज़ एसोसिएशन की है कि हम अगर फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें कि हाँ मैंने कोशिश की, अपनी कोशिश को तो इम्पोर्टेंस देना आप।
पहले वही बात है कि आइंस्टाइन ने भी जब काम किया था तो या बल्ब जब बना था तो पहली दफा में नहीं बना, एडिसन ने कहा था 99 दफा जब बल्ब नहीं चला तो मैंने ये नहीं कि मैं 99 दफा नाकाम हुआ, उसने कहा मैंने 99 दफा सीखा कि कैसे नहीं करना, कैसे नहीं करना, तो सीख जाते हैं कि आपको ये भी तो पता चल रहा है कि आपको कैसे नहीं करना है, अगर ये नहीं पता चलता कि क्या करना है तो बहुत दफा पे आप किस तरह से उस चीज को एसोसिएट करते हैं वो बहुत मैटर करता है। और इससे मेरे जहन में एक और बात आ रही है सरमद, इनफैक्ट आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगी इस बात को कि पेरेंट्स में ना बड़ी एक अजीब सी डाइकोटोमी है, अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो वो अपने आप को सहरा देते हैं उसकी कामयाबी का कि देखो मेरा अच्छा बच्चा फर्स्ट आया है फलाना हुआ है, लेकिन अगर बच्चा फेल हो जाए या नाकाम हो तो सारी गलती बच्चे की होती है, ये क्या खुला तजाद है। एक तो हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, एक चीज हम इतना ज्यादा यूज करते हैं कि अपनी एज पेरेंट्स अपनी ड्रीम्स बच्चे पे थोप रहे होते हैं। आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि बच्चे का एटीट्यूड एप्टीट्यूड फोकस किस साइड पे है, उसको आइडेंटिफाई करके बच्चे को उस तरह लेके चलें। इन केस कहीं ना कहीं ड्रीम्स अप्लाई कर भी रहे हैं और फेलियर्स आ रहे हैं, हम फेलियर्स की बात कर रहे हैं लेकिन क्या हम सक्सेसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई दफा फेलियर से ही वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होती हैं जिस पे काम किया जाता है और एक मेजर सक्सेस की तरफ चला जाता है। सो एज पेरेंट्स वी नीड टू इवन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। बहुत बहुत शुक्रिया सरमद, अनमोल एंड ईशा, आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उसको आपने करंट सिचुएशन से भी रिलेट किया। आई थिंक वंस अगेन इन द एंड फेलियर से घबराए नहीं, लेकिन फेलियर टू प्रिकॉशंस इज समथिंग वी कैन नॉट अफोर्ड एट दिस पॉइंट। प्रोग्राम के आखिर में एक दफ़ा फिर आपसे कहना चाहेंगे हैंड हाइजीन का, स्नीजिंग एंड कॉफिंग एटिकेट का और सबसे बढ़कर डिस्टेंस का ख्याल रखें। और जो गैर जरूरी चीजें, मैं कहती हूँ कि लोग कहते थे कि 2020 में शायद हम फ्लाइंग कार्स देखेंगे एंड ऑन द अदर हैंड हम लोगों को हाथ धोना सिखा रहे हैं। दिस इज वेयर ह्यूमैनिटी इज, वी कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन चीजों की तरफ जरूर जोर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दिस इज इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम एंड प्लेस। आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।